तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चंद्रयान 2 के नए डिटेल्स जो आज हमें दिए गए। अगर आपने मेरा वो चंद्रयान डिले क्यों हो रहा है, चंद्रयान 2 डिले क्यों हो रहा है वीडियो देखा, तो आपको पता है कि बहुत सालों से ये चल रहा है। आज फाइनली हमारे पास एक डेट आ गया और वो डेट है जुलाई 15। उसके बजाय एक नया वेबसाइट भी आई है, उस वेबसाइट पे काफी सारे मिशन के डिटेल्स है। अगर आप ये फोटोज में देखोगे जो दूरदर्शन के है, तो आपको विक्रम लैंडर के पाओ पे एक मोटी सी सिलेंडर प्लेट टाइप दिखेगी। वो एक्चुअली एक क्रश कोर है, यानी जब भी वो लैंड करेगा तो पूरा क्रश होकर फोर्स एब्जॉर्ब करेगा। काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। और यही नहीं, अगर आप कोने में देखोगे तो आपको दो बड़े बलून्स दिखेंगे। ये बलून के एक्चुअली कारण है। हुआ क्या था, जो प्रज्ञान रोवर है हमारा, वो डिफरेंशियल स्टीयरिंग यूज करता है, मतलब उसके व्हील्स नहीं घूमते टर्न करने के लिए। वो टैंक की तरह, अगर उसको राइट टर्न लेना है तो लेफ्ट व्हील्स घुमाएगा और राइट टर्न लेगा। तो इससे हो क्या सकता है कि वो अटक सकता है मून के सतह पे या चांद के सतह पे, खुद को घुमा घुमा के बरी कर सकता है। तो इनको टेस्ट करना था अगर ऐसे हो सकता है क्या। तो अब अर्थ पे ग्रेविटी तो हम कम नहीं कर सकते, मून की ग्रेविटी ऑलमोस्ट 1/10 है। तो इन्होंने हीलियम बलून लगाया प्रज्ञान रोवर को और फिर टेस्ट किया। तो हीलियम बलून ऐसे बैलेंस किया गया कि उसका वेट कम हो जाए, प्रज्ञान रोवर का इफेक्टिव वेट। तो काफी इंटरेस्टिंग है, मेरा अगला वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी लंबा होने वाला है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया के बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।